बातिल हला लैटरल एंट्री विज्ञप्ति शनिवार प्रकाशित होइतिबा लैटरल एंट्री विज्ञप्ति बातिल करबाकू यूपीएससी अध्यक्ष प्रीति सुदान को चिठी लिखिछंती केन्द्रमंत्री जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निर्देश क्रमे यह निष्पत्ति नियाजैतिबा जणाइछंती केन्द्रमंत्री सिंह। शनिवार 45 गुरुत्वपूर्ण पदवी पई यूपीएससी विज्ञप्ति जारी करथिले। एथिरे 10 जुग्म सचिव 35 निर्देशक तथा उपसचिव को चुक्ति भित्तिक नियुक्ति दिया जायथांता। एथिपाई ऑनलाइन आवेदन करबा को विज्ञप्ति जारी होइथिला। घर क्षेत्र विशेषज्ञ को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति देवा एही विज्ञापनर लक्ष्य थिला। एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे संविधान प्रति प्रधानमंत्री प्रतिबद्धता प्रतिफलित होइथिबा कहिछंती केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव। लैटरल एंट्री रे संरक्षण पई पारदर्शी प्रक्रिया अपणा जाइछि। प्रधानमंत्री सबुबेले सामाजिक न्याय प्रति प्रतिबद्ध थिबा बेले यूपीए सरकार बेले संरक्षण व्यवस्था को गुरुत्व दिया जाउनथिबा कहिछंती वैष्णव। पूर्वर विरोधी दल नेता राहुल गांधी लैटरल एंट्री नियुक्ति प्रक्रिया को प्रश्न करबा सह एथिरे अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ वर्ग को संरक्षण मिलुनथिबा अभियोग करथिले। राहुल को अभियोग को बीजेपी पक्षर खंडन करा जायथिले भी केन्द्रमंत्री तथा लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान लैटरल एंट्री रे संरक्षण दाबी करथिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में मेडिकल एडमिशंस में सैनिक स्कूल्स में नवोदय विद्यालय में सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जो 5 तीर्थ हैं उनको उनका गौरवमय स्थान दिलाया। केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलाइज के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है।